Hello and welcome to Interesting Tech for VI. If you are new in this channel, please subscribe this channel and press the notification bell icon so you cannot miss any informative and interesting video. Please like this video to keep supporting us and give your feedback, questions and problems on comment box. WhatsApp group and Telegram channel is available on about page. So let's start the video. हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं हूं संदीप गौतम, आप लोग देख रहे हैं इंटरेस्टिंग टेक फॉर वीआई। सो गाइस, लेकर आ चुके हैं फिर से आप लोगों के लिए एक वीडियो। इस वीडियो में हमने बताया किस तरीके से आप लोग ऑटोमेटिकली रीडायल ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब आप सोचोगे ऑटोमेटिकली रीडायल है क्या चीज़। वैसे एक बात और कहना चाहूँगा, जो लोग वीडियो के बारे में जानते हैं वो लोग वीडियो को स्किप कर सकते हैं, जो लोग नहीं जानते वो वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखें। ओके, तो ऑटोमेटिकली रीडायल ऑप्शन कुछ इस तरीके से है, जैसे कि आपने किसी को कॉल किया। ओके, आपकी कॉल उन्होंने पिक नहीं की या फिर कॉल को डिक्लाइन कर दिया। अब आप चाहते हैं कि आपका कॉल रीडायल ऑटोमेटिक हो जाए, तो ऐसा है। उसके लिए आपको एक ऑप्शन की आवश्यकता पड़ेगी, इस ऑप्शन को ऑन करना होगा, बस आपकी कॉल ऑटोमेटिक रीडायल पे पहुंच जाएगी। ओके, फिर आपकी चाहे कॉल उन्होंने डिक्लाइन की हो या फिर आपकी कॉल उठाई ना हो, ठीक है, लाइन बिजी होनी, अगर लाइन बिजी है तो ऑटोमेटिकली रीडायल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने कॉल किया, आपकी बातचीत हो गई, आपने एंड कर दी, फिर ऑटोमेटिकली रीडायल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लाइन बिजी होगी तभी कॉल डिक्लाइन होगी, और मतलब ऑटोमेटिकली रीडायल हो जाएगी, ठीक है। और ऑटोमेटिकली रीडायल होगी तब उससे पहले एक साउंड आएगा, जैसे कि आपने किसी को कॉल किया, आपकी कॉल डिक्लाइन कर दी, तो आपको एक पहले जो वो होता है, क्या नाम है, जो IVR होता है वो बताता है ना, व्यस्त हैं, ठीक है, जिनको आप कॉल कर रहे हैं वो अभी व्यस्त हैं। तो उसके बाद एक साउंड आएगा, हल्का सा आपको एक साउंड आएगा, ठीक है, उस साउंड के बाद ऑटोमेटिकली कॉल रीडायल हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखें, आपको एक साउंड आएगा, ये कॉल रीडायल होने से पहले एक साउंड आएगा, तभी आपकी कॉल रीडायल होगी। ठीक है, बस आपको उस ऑप्शन को ऑन करना है, ऑटोमेटिकली रीडायल ऑप्शन चालू हो जाएगा। तो चलिए गाइस, करते हैं चीज़ को प्रैक्टिकल। सबसे पहले हम अपने फ़ोन को ओपन कर लेते हैं। आपको सेटिंग में चलना है। कॉल सेटिंग्स बैक। कॉल सेटिंग में आ चुके हैं। कॉल सेटिंग्स अब स्वाइप करना है। सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क्स। सिम कार्ड कॉल वन ऑफ द लेफ्ट। कॉल रिकॉर्डिंग। कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग्स। आगे चल रहा है। कॉल वेटिंग। इनकमिंग कॉल सेटिंग्स। ब्लॉक लिस्ट ऑन। आगे चल रहा है। लोकेशन ऑटो आंसर ऑफ। एडवांस्ड सेटिंग्स। प्राइवेसी पॉलिसी। एडवांस्ड सेटिंग्स। सिंपल कॉल वन ऑफ द लेफ्ट में चलना है। एडवांस्ड सेटिंग्स बैक। एडवांस्ड डायलर कॉल अहेड। डायल पैड टच टोन्स डिफॉल्ट। डायल पैड टच टोन क्विक डायल। क्विक डायल Redial automatically if the line is busy. Comma tick box 4 of 15. इसको मैं नोट कर करता हूँ वैसे। Redial automatically if the. अब इसी को आप सुन लीजिए पहले क्या कह रहे हैं। Redial automatically if the line is busy. Comma not tick. Tick box 4 of 15. Redial automatically busy line. The busy line. ठीक है, busy line पे automatically redial हो जाएगा। ठीक है, simply बस इसको आपको यहाँ से. Redial automatically if the line is busy. Tick. बस यहाँ से checked करना है। अब ये ऑप्शन आपका ऑन हो गया। अब आप जाकर किसी को कॉल कीजिए, अगर आपकी कॉल डिक्लाइन की है, आंसर नहीं किया है, उठाया नहीं है, आपकी कॉल ऑटोमेटिकली रीडायल हो जाएगी। ठीक है, सिंपली मैं करता हूँ बैक। आज की छोटी सी वीडियो सिस्टम लॉन्चर के लिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों, कॉल में करके टेस्टिंग नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरी ऑलमोस्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, वरना मैं आपको
लाइव दिखाता, ठीक है। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, स्टॉप करता हूँ। एंड अगर इस ऑप्शन को ऑन करने में या फिर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों के लिए अवेलेबल है, अबाउट में से कॉन्टैक्ट करें। दोस्तों यदि आप लोगों ने हमारी वीडियो देखी होगी और मतलब वेरी इंपॉर्टेंट एक वीडियो अभी आई थी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी यूजफुल वीडियो, ठीक है। तो गाइस उसमें हमने चैट ऑन व्हाट्सएप फीचर के बारे में बताया, जो कि हमने अपने चैनल के लिए दिया है, अपने व्यूवर्स के लिए दिया है। अगर आपको किसी TTS की डिमांड है तो सिंपली बस वहाँ पे लिख के सेंड करना है, प्लीज़ सेंड मी ऑटो TTS या फिर कोई भी TTS, ठीक है। तो आपको मैं कमांड बता दूँ किस तरीके से देनी है, जो लोगों जी तो मैं अब आपको बता दूँ किस तरीके से कमांड देनी है। देखिए, प्लीज़ स्पेस सेंड स्पेस मी स्पेस TTS का नाम, ओके, और फिर TTS वो कैपिटल में रहेंगे। सजेस्ट करूँगा आप वॉइस इनपुट से टाइपिंग करें, परफेक्ट बैठेगा, ठीक है। जो भी TTS चाहिए बस लिख के सेंड करो, आपको ऑटोमेटिकली TTS आ जाएगा, ड्राइव पे लिंक रहेगा, डाउनलोड करें, मजे से इंस्टॉल करके लाभ उठाएं, ठीक है। तो आप इस ऑप्शन को बहुत अच्छे से सपोर्ट कीजिए, ठीक है। अभी हम इस ऑप्शन में बहुत सारे TTS आपके काम के एप्लीकेशन सभी डालने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं, जिससे कि आप लोगों को बस खाली लिख के सेंड करना है, आप लोगों के सामने एप्लीकेशन उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें और देखते रहिए इंटरेस्टिंग टेक फॉर VI। तो स्टॉप, नमस्कार।